हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम अब एक परफेक्ट फेस या पोर्ट्रेट ग्रिड की हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने नंबर ऑफ रो, कितने नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे ग्रिड मेकर। ओके, हमने सर्च किया। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ग्रिड मेकर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ग्रिड मेकर फॉर इंस्टाग्राम, ग्रिड पोस्ट फोटो ग्रिड मेकर, ड्राइंग ग्रिड मेकर, ग्रिड मेकर फॉर इंस्टाग्राम, बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है ड्राइंग ग्रिड मेकर, हम ये इंस्टॉल करते हैं क्योंकि मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप ओपन करेंगे जब, तो ओपन में हमने क्लिक करा। उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो कॉलम, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स पे अब आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ रो है वो हम कितनी लें। तो जो नंबर ऑफ रो है ये हम लेंगे 14। ठीक है, क्योंकि हम इतनी ही ले सकते हैं A4 साइज़ के पेपर में बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको हमें ग्रिड लेनी है वो आपके लिए, क्योंकि वो इजी हो जाता है पोर्ट्रेट को और अच्छे से ड्रॉ करने में। जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा ग्रिड लें उतना ही अच्छा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 14 लिया है। हमने कर दिया इसे ओके। ओके के बाद अब हमें क्लिक किस पे करना है, इस पे। हमने इस पे क्लिक करेंगे ना, जब क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉलम कितने लें। तब हम नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो हम लेंगे 10, क्योंकि हम उतने ही ले सकते हैं A4 साइज़ पे पेपर पे ड्रॉ करने के लिए। हमने कर दिया ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना सबसे स्टार्टिंग का कॉलम, ये वाला जिस पे मैंने रेड डॉट लगाया है, तो इस पे अब आपको हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक किया मैंने। जैसे ये फ़ोटो मुझे बनानी है, ठीक है, मान लीजिए मुझे ड्रॉ करनी है या आपको ड्रॉ करनी है, तो अब ये देखिए अपने आप ग्रिड, जितनी हमने ग्रिड रो और कॉलम डाले थे वो अपने आप आ गया। ये तो और इजी हो गया ना, अब हमें इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमें इसमें करना क्या है, सिर्फ एक चीज़ करनी है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला जिसमें मैंने रेड डॉट लगाया है, बस अब आपको करना क्या है, इस पर करना है क्लिक। ये हो जाएगी वीडियो सेव। फिर इस तरीके का ऐड आएगा, उसको आपको क्लोज कर देना है, छोड़िए। अब ये देखिए मैंने बैक किया, जब हमने गैलरी ओपन की तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अब ये धीरे धीरे सेव हो गई, ये देखिए आपके सामने ही ये फ़ोटो अपने आप सेव हो गई। अब आपको देखिए पता चल अपने अब आपको पता चल गया कि कितनी रो हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तो बस आपको करना इतना ही है। वैसे अगर आप एक बिगिनर हैं तो ग्रिड मेथड की आप हेल्प ले सकते हैं, बट आपको साथ ही साथ फ्री हैंड की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो आप स्केल या मतलब यू नो स्केल लेके नहीं जा सकते ना, वहाँ पहले आप ग्रिड थोड़ी ना बनाएंगे जाके। इसीलिए आपको साथ ही साथ फ्री हैंड मेथड की भी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लाइन खींचते हैं, किस तरीके से हम नंबर ऑफ रो लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं वीडियो के थ्रू। चलिए, ये जो है ये वाली लाइंस आपको दिख रही हैं, ये वाली लाइंस, ये लाइंस हमने फोटो में हमने देखा, जो ये लाइंस हैं ये वाली लाइंस, ये हमने 14 ली हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 14 लाइंस खींच ली इस तरीके से। अब आप ये देख रहे हैं ये वाली लाइंस, ये हमने उसमें 10 ली थी ना, तो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 लाइंस खींच ली इस तरीके से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके इस मतलब ये कितने कितने सेंटीमीटर मैंने लिए हैं, तो ये इस तरीके से लिया है मैंने। किस तरीके से नापा है, ये जो बस आपको करना क्या है, स्केल लेके आपको 2-2 सेंटीमीटर पे आपको मार्क करना है। ठीक है, मार्क करने के बाद मार्क किया आपने इस डायरेक्शन में, आपने जैसे मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद आप लाइन खींचेंगे,
उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे रखें स्केल और 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मार्क करें। मार्क करने के बाद आप इस डायरेक्शन में लाइंस खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद आपकी पूरी जो ग्रिड है वो पूरी रेडी हो गई पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो ये जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, हमने 2 सेंटीमीटर ली क्योंकि हमने इधर स्केल, जब ऐसे स्केल रखा तो हमने 2 सेंटीमीटर लिया, और जब हमने ऐसे रखा तो भी हमने 2 सेंटीमीटर लिया। तो इसका क्या मतलब है, हमने लेंथ और ब्रेथ हमने ये जो है 2 सेंटीमीटर की ली है। तो अब अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाना चाहें तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। आपको कोई और भी पिक्चर बनानी है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो A4 साइज़ का पेपर होता है उसमें हमें जो लाइन है ये हम सीधे ही ज़्यादा से ज़्यादा 14.5 खींच सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कितनी खींची, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 खींची हैं। बट 14.5 मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये देखिए हमारा ये पेज अभी आधा बच गया है, इसलिए मैं 14.5 कह रही हूँ। और जो इस डायरेक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 ले रही हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि इस साइड आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी जगह छूट गई है, तो इसको मैंने हाफ में ले लिया। और देखिए हमने कितने और ये कितनी बॉक्स बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बनाए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10.5 ले सकते हैं और इधर ज़्यादा से ज़्यादा 14.5 ले सकते हैं बस। और A3 का जो पेपर होता है उस पर हम, जैसे हमने 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिया, उस पर हम क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है इसलिए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का ले सकते हैं स्केल से। जैसे हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है तो हम यहाँ 2 सेंटीमीटर के बदले 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ऐसे, 3 सेंटीमीटर ऐसे, और फिर हम इजीली उस पे जो हमारा पोर्ट्रेट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आया हो कहीं समझ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को आई फाइन आर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो।